Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel. Hope so all are perfect fine. Welcome to a very special vlog. So welcome to a very different vlog. So आज आप देख रहे होंगे कि किचन जो है वो चेंज है, क्योंकि आज जो है ना मैं अपनी अम्मी के घर जो है व्लॉगिंग कर रही थी, तो मैंने सोचा कि अम्मी के घर आई हूँ तो आप वैसे मैंने सोचा ये था कि मैं अपनी मॉर्निंग टू नाइट फुल रूटीन आप लोगों से शेयर करूँगी, बट सम बिजीनेस की वजह से और अनफॉर्चुनेटली मैं आप लोगों से अपनी फुल रूटीन वहाँ की शेयर नहीं कर पाई, बट इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम लाजमी शेयर करूँगी। लेकिन जो मैंने कहा सोचा कि जो मैं कर सकती हूँ वो तो मैं आप लोगों से शेयर कर दूँ। तो यहाँ पर मैं अपनी अम्मी के घर ना फटाफट मैंने चिकन निकाली फ्रिज से और चिकन बनाने लगी। अच्छा, चिकन का समझ नहीं आता कि इंसान बनाए क्या। सबसे जो हाउस वाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अकॉर्डिंग टू मी यही है कि रोज़ाना की टेंशन ये कि आज क्या पकाएं, क्योंकि ऐसी चीज़ बनानी होती है जो घर में सब खा लें आराम से और मज़े की भी हो, बस इसीलिए ये टेंशन बहुत बड़ी टेंशन होती है एक हाउस वाइफ के लिए कि आज क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैंने चिकन निकाली तो मैंने सोचा चलें चिकन कढ़ाई बना लेते हैं, लेकिन चिकन कढ़ाई आज मैंने थोड़े डिफरेंट स्टाइल से बनाई थी। आप मेरी रेसिपी पर जो है फोकस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने आज थोड़ी ना डिफरेंट तरीके से, जिस तरीके से कढ़ाई बनती है ना घरों में, उससे बहुत डिफरेंट तरीके से बनाई थी मैंने आज चिकन कढ़ाई। अच्छा, सबने मेन चीज़ जो है ना इसमें वो ये है कि मैंने इसमें कढ़ाई मसाला जो है बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, और जो है मैंने इसमें थोड़ी अनियन भी यूज़ की है और थोड़ी हमारे जो है टमाटोज़ भी यूज़ किए और थोड़ी योगर्ट भी यूज़ किया। वो आप रेसिपी मेरी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने आप सोच रहे होंगे कढ़ाई मसाला मैंने ऐड नहीं किया, तो मैंने क्या ऐड किया, तो यहाँ पर मैंने जो ऐड किया है ना वो मैंने समथिंग साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और साबुत गोल मिर्ची जिसे आपको प्लेट में नज़र आ रही हैं, ठीक है। इसको मैंने ये मैंने ऐड करना था, लेकिन ये ऐसे ऐड नहीं करना था। आगे मैं क्या करूँगी वो भी आपको बताऊंगी, और साथ साथ में आप वीडियो को भी देखकर एंजॉय करें, क्योंकि ये रेसिपी जो होती है ना अगर आप ट्राई करेंगे लिटरली ये बहुत मज़े की बनके तैयार हुई थी और बहुत अच्छा टेस्ट होता है इसका। जो हम कढ़ाइयाँ खाते रहते हैं उससे बहुत डिफरेंट होता है और बहुत मज़ेदार होता है, ठीक है। तो ये साबुत जितना भी मसाला मैंने निकाला है और आपको बताया है ये सब मुझे सबसे पहले इसमें भूनना है। इसको अच्छी तरीके से मैंने तवे पर ना भून लिया था, इसका लाइट से कलर चेंज हुआ था तब तक मैंने इसको भूना था। आप तवे पे या फ्राई पैन जिसमें भी आपको चाहें आप भून सकते हैं। फिर मैंने इसको प्लेट में निकालने के बाद जो है ना आगे मैंने इसको इमाम दस्ते में अच्छी तरीके से कूट लिया था, बिल्कुल बारीक कर लिया था। इस तरह बारीक करना है हमें जिस तरह हमारा होता है ना मसाला, कढ़ाई मसाला, कौरमा मसाला, बिल्कुल बारीक इसी तरीके से हमें बिल्कुल बारीक करना है, ठीक है। तो मैंने इसको बिल्कुल बारीक कर लिया था, और ये जो है ना मसाला इसकी स्मेल इतनी डिलीशियस थी जब ये पिस गया था, क्योंकि साबुत धनिया आपको पता है साबुत धनिया की स्मेल तो वैसे ही बहुत मज़े की होती है, तो इसीलिए जो इसकी स्मेल बन के रेडी हुई थी ना बहुत मज़े का मसाला ये बन के रेडी हुआ था। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने थोड़े से ऑयल में बिल्कुल फाइन चॉप की हुई अपनी अनियन मैंने ऐड की है। अच्छा, अनियन जो है हमने यहाँ पर जो है फाइन चॉप करनी है, ठीक है, स्लाइस वाइज हमने चॉप नहीं करनी, ताकि वो हमारी कढ़ाई में बिल्कुल मिक्स हो जाए और नज़र ना आए, क्योंकि अगर नज़र आएगी अनियन तो फिर वो बाद में रहेगी ना, दिखने में अच्छी लगेगी ना खाने में अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने इसको फाइन चॉप किया था। एंड फिर मैंने इसको हल्की से सौते कर ली थी। सौते करना है, ज़्यादा हमें इसका कलर जो है चेंज नहीं होने देना, ठीक है। इसको सौते करने के बाद जो है मेन चीज़ जो आपको पता है इसमें ऐड होती है, हर खाने में ही ऐड होती है ज़्यादातर, टमाटोज़ हमारे, और इसके अलावा जो टमाटोज़ से पहले ऐड किया है मैंने वो हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट, उसको मैंने ऐड करने के से पहले जो है ना अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। फिर उसको मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड किया, और फिर जो है मैंने इसमें टमाटोस और फिर स्पाइसेस। अच्छा, ये सब आप मेरी रेसिपी तो देखकर एंजॉय कर ही रहे होंगे, साथ साथ मैं आपसे ये कहने लगी थी कि ना माशाल्लाह से सब्सक्राइबर जो है माशाल्लाह बहुत अच्छे और स्पीड से जो है बढ़ रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, बहुत आप लोगों का सपोर्ट है बहुत ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है देख के। लेकिन जो व्यूज़ है ना वो कुछ वीडियोस पे बहुत अच्छे हैं और कुछ वीडियोस पे बस मैक्सिमम मिनिमम बहुत कम है, तो इसीलिए आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली सारी वीडियोज़ को फुल वॉच किया करें, क्योंकि इतनी लेंथी वीडियोज़ नहीं होती, और मेरी जो होती है ट्राई वो यही होती है कि आप लोगों के लिए कोई ऐसा कॉन्टेंट बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आए और आप लोग मजबूर हो जाए एंड तक देखने के लिए। सो काइंडली सपोर्ट किया करें, ठीक है। अच्छा, और सेकंड चीज़ ये बता रही थी मुझे कि आप देख रहे हैं ना आपकी सिस्टर यहाँ पे कितना काम कर रही हैं। अच्छा, ये तो बिहाइंड द कैमरा आपको बताऊँ मैं कितना मसरूफ़ हो जाती हूँ, क्योंकि मेरी जो मैंने आपको बताया है वीडियोज़ में आपने देखा भी, ये छोटी बेटी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी रहती हूँ। लेकिन फिर कोशिश करती हूँ कि मैं जल्द से जल्द अपनी वीडियोस को अपलोड करूँ। मेरी कोशिश होती है डेली करूँ, बट डेली मैं नहीं कर पाती। इंशाल्लाह थोड़ी बड़ी हो जाएंगी ये जल्द तो मैं डेली भी इंशाल्लाह अपलोड करूँगी। अच्छा, यहाँ पर मैं जब काम कर रही थी ना तो उस दौरान मैं सोच रही थी कि यार यहाँ पर जो है लड़कियों को आफ्टर मैरिज जो है कुकिंग वगैरह करना पड़ता है, लेकिन जो है ना मैं जो अपनी बताऊँ अगर आपको सच में, तो मैं शादी से पहले क्योंकि हम पढ़ाने में लगे रहते थे तो उसमें हम इतना काम करते थे, यानी घर की जो हल्की फुल्की सफाई होती है ना, बर्तन धो लेना, थोड़ी सी झाड़ू लगा लेना, पोछा लगा लेना, सिर्फ ये काम करना होता था। इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं था और कुकिंग से तो बहुत दूर तक कोई रिश्ता नहीं था हमारा। तो इसीलिए जो है ना अब जो है माशाल्लाह कुकिंग करते हैं तो फिर अच्छी कुकिंग कर लेते हैं, तो मतलब खुद पर एक प्राउड फील होता है कि यार जिसको कुछ नहीं आता था उसको अब अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ आता है। तो ये जो टाइम होते हैं ना, ये जब हम अपना पास्ट याद करते हैं तो उस वक्त हमें बहुत चीज़ें ऐसी याद आ जाती हैं कि यार हम ये नहीं करते थे और हम ये करते हैं। और लिटरली मैं आपको बताऊँ कि मैं सोचती थी ना शादी से पहले कि ना बच्चे जो होते हैं छोटे वो कितना तंग करते हैं, उनको संभालना कितना मुश्किल होता है, माएँ कैसे संभाल लेती हैं। लेकिन अब एज अ मदर मैं अब ये सोचती हूँ कि बच्चों को संभालना मुश्किल तो है, लेकिन अगर उनकी आदत हो जाए तो फिर उनके बगैर रहना मुश्किल है ज़्यादा। तो बस यही मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला तमाम बे-औलादों को साहिब-ए-औलाद करे, आमीन। इसके अलावा जो है आप देख रहे होंगे मेरी जो बातों में मेरी जो कुकिंग की रेसिपी थी, कढ़ाई रेसिपी, वो कंप्लीट हो चुकी है और बस बनने ही वाली है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ उसका फाइनल लुक। तो यहाँ पर मैंने सोचा जब तक के लिए मैं आटा जो है अपना गूंद लूँ, अच्छी तरीके से गूंद लूँ और गूंदने के बाद मैं इसकी रोटियाँ भी डाल दूँ ताकि खाना रेडी हो जाए, फिर हम खाना खा लें क्योंकि खाने का टाइम था ना, तो इसलिए। और मैं वीडियो शूट कर रही थी तो और थी भी अपनी अम्मी के घर, तो अम्मी जो है ना फिर बोलती हैं जल्दी बनाओ खाना खाना है ये वो। तो ये तो सारी मदर्स की कहानी है, तो और अच्छा भी लगता है कि मतलब हमें बोलने वाला है कोई बड़ा हमारा, तो माशाल्लाह अच्छा लगता है। अच्छा, तो मैं ये कह रही थी आप लोगों से कि जो मैं थी ना, मैं अगर अपनी बताऊं तो मैं खाने बनाने की जो चोर थी बहुत ज़्यादा। मुझे मेरे बहन भाई सिबलिंग्स मेरे ये कहते थे कि तुम तो पता नहीं क्या करोगी, तुम तो मतलब खाने के दूर दूर तक तुम्हारा खाने का कोई पता नहीं होता, यानी कुकिंग का, और तुम बनाती कुछ नहीं हो और ना बस खाने आ जाती हो अगर हम कुछ बनाते हैं। तो मुझे ये डायलॉग सुनने का बहुत मिलता था। लेकिन जो है ना अब माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कुकिंग करती हूँ और बहुत अच्छी करती हूँ कि सबको पसंद आती है। तो यहाँ पर जो है ना मुझे वॉइस ओवर करते हुए मुझे समझ नहीं आता कि मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना, बट मेरी ट्राई होती है कि मैं कुछ ऐसा बोलूँ कि आपको सुनने में मज़ा आए और मेरी वीडियो देखने में मज़ा आए। तो इसलिए काइंडली मुझे सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपनी फैमिली में अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, क्योंकि देखिए आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो आपको मैं सपोर्ट करूंगी और इसके अलावा फिर इसी तरह अल्लाह हमारी मदद करेगा। क्योंकि मैं तो यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हमें और हम समेत जितने छोटे यूट्यूबर्स हैं उन सबको कामयाबी दे, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम बड़े यूट्यूबर्स को देख रहे होते तो हमारा दिल जो होता है डीमोटिवेट होता रहता है कि हमारे व्यूज़ क्यों नहीं आते, क्या बात है उनकी वीडियोस में और हमारी वीडियोस में। तो बात कुछ नहीं है, बात सिर्फ ये है कि वो जो करते हैं उनकी मेहनत होती है और हम जो करेंगे वो हमारी मेहनत होगी। तो और ऊपर से एक टाइम पीरियड भी होता है कि टाइम उनको काफ़ी साल हो जाते हैं तब जाके उनको लोग जानते हैं, देखते हैं, लाइक करते हैं। तो अब हमें इतना टाइम नहीं हुआ तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है और कोशिश होनी चाहिए ये कि हमारा कॉन्टेंट ऐसा हो जिसको लोग देखने पर मजबूर हो जाएँ, जैसे लोगों के होते हैं कॉन्टेंट, ठीक है। तो मेरी ट्राई यही होती है कि मैं ऐसा कंटेंट क्रिएट करूं जो मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत पसंद आए और वो लाइक करके ही जाएं, बगैर लाइक के ना जाएं। तो काइंडली मेरी इस छोटी सी ट्राई को आप लोग लाइक किया करें। इंशाल्लाह डे बाय डे मैं जो है अपनी इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा वीडियो में लाऊंगी, क्योंकि मैंने सोचा है इंशाल्लाह अच्छे अच्छे कंटेंट आप लोग के लिए क्रिएट करूँगी ताकि मैं भी आप लोग को इंटरटेन कर सकूँ और इसके अलावा मैं भी एक सक्सेसफुल जो है यूट्यूबर बन सकूँ इंशाल्लाह। तो बातों बातों में आटा भी गुन गया और पेड़े भी बन गए। अब यहाँ पर रोटी मैंने फटाफट रोटी बेल ली और रोटी बेलने के बाद मैंने सेकी। अच्छा, सारी रोटियाँ मैं आपको बनाते हुए नहीं दिखा सकती क्योंकि अगर मैंने दिखाई ना इस तरह आपका टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और साथ में मेरा भी। और फिर ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं ना मेरे भाई बेचारे बहुत मेहनत की उन्होंने इस वीडियो शूट करने में, क्योंकि मैं अपना जो है स्टैंड था ना वो मैं अपने घर पर ही भूल गई थी। तो इसीलिए मैंने फिर कहा था कि भाई आप मेरी वीडियो शूट कर लें, तो उन्होंने पकड़ के मोबाइल बहुत फोकस कर के चीज़ों को दिखाकर जिस तरह आप देख रहे होंगे। तो ये कोई स्टैंड नहीं है, ये मेरे भाई के हैंड है उन्होंने मेरी वीडियो शूट की थी। तो मैंने बस यहाँ पर एक दो रोटी ही आपको दिखाई है बनाते हुए, शॉर्ट शॉर्ट क्लिप्स, बाकी मैंने सारी रोटियाँ जो है ना बना दी थी। अच्छा जी जनाब, यहाँ पर मैंने रोटी सेक ली। अच्छा, कुछ लोग उल्टे तवे पे भी रोटी सेकते हैं, हाँ सेकती है बिल्कुल, लेकिन मेरा हाथ जो है ना उल्टे तवे पे अभी नहीं चलता ना बैठा हुआ है तो इसलिए मैं जो है ना इसी तरीके से रोटी सेकती हूँ और अच्छी सेकती है। तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट रोटियाँ जो है कम्प्लीट फटाफट माशाल्लाह हाथ रटा हुआ है, तो फटाफट मैंने रोटियाँ बेली सेकी और कम्प्लीट मेरी रोटियाँ बन चुकी थी। अच्छा, जब रोटियाँ बन गई तो खाना भी निकाल लिया। अब आपको रिव्यू भी आगे नज़र आएगा कि मेरी कढ़ाई कैसी बनी थी। खैर, अब जो है मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करने लगी हूँ, ज़्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, सो काइंडली फुल देखिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन दीजिएगा और बताइएगा कि नेक्स्ट कंटेंट आपको कौन सा चाहिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। कैसे बनाई है? आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल होटल जैसा है। सच में ये मैंने बनाया है। वाह, ग्रेट, बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा। तो YouTube फैमिली को क्या बोलेंगे आप? बोल दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ऐसे व्लॉग्स मिलते रहेंगे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।